हेलो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा हम लोग हावड़ा जम्मू हिमगिरी एक्सप्रेस से जम्मू तवाई पहुंचे और फिर एक दिन हम लोगों ने जम्मू में स्टे किए। जम्मू में जिस होटल में हम लोगों ने स्टे किया था एकदम ही बेकार सा एक होटल था, सो नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। इस एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जम्मू टू श्रीनगर की रोड जर्नी। जम्मू से आप लोग फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंच सकते हैं, ट्रेन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, पर आपको जम्मू से कार हायर करके बानीहाल तक पहुंचना है, फिर बानीहाल से ट्रेन अवेल करके आप लोग श्रीनगर पहुंच सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड क्योंकि ट्रेन अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हम लोग बाई रोड ट्रेवल किए थे तो NH44 से हम लोग जम्मू टू श्रीनगर पहुंचे। NH44 इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जो कश्मीर टू कन्याकुमारी तक कनेक्ट करता है। अगर आप लोग वैष्णव देवी दर्शन करना चाहते हो तो जम्मू से कटरा आके वहां से वैष्णव देवी दर्शन करके फिर नेक्स्ट डे कटरा से श्रीनगर भी आप लोग जा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिश एंड डेस्टिनेशन और मैं हूं आपका दोस्त शर्बानी। आ गई हूं एक नए व्लॉग के साथ। आज है 28th of March 2022 और हम लोग जम्मू से जा रहे हैं श्रीनगर। लगभग 8 से 10 घंटा तो लग ही जाएगा। अभी हम लोग खड़े हैं टिफ़िन करने के लिए एक रोड साइड ढाबा में और ये रहा यहाँ का व्यू। कश्मीर ट्रिप दो तरह से प्लान किया जा सकता है। फर्स्ट प्लान है जम्मू टू श्रीनगर होके गुलमार्ग सोनमार्ग घूम के फिर पहलगांव होके जम्मू रिटर्न, और सेकंड प्लान है जम्मू से पहलगांव होके फिर श्रीनगर से गुलमार्ग सोनमार्ग देखते हुए जम्मू रिटर्न। Thank you.
अगर आप लोगों को पत्नीटॉप जाना है तो टनल की टोल गेट से पहले राइट साइड में एक बाईपास रोड मिलेगा, जहां से आप लोग पत्नीटॉप पहुंच सकते हो। सामने आने वाला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये एक 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। ये टनल बनने के बाद 40 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया। अभी 1:30 बज चुके हैं और हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए ये करतार एंड सन्स कॉम्प्लेक्स में। और ये रहा यहाँ का व्यू। ये जो सामने आप लोग रोड देख रहे हो, ये है NH 44, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। अभी तक जम्मू से रोड बहुत ही स्मूथ और अच्छा था। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसलिए ऐसा लग रहा है, पर रोड्स बहुत ही अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम को 6 बज चुके हैं और हम लोग बानीहाल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ा टी ब्रेक लेने के लिए। बहुत ही अच्छा सीनिक ब्यूटी है, आप लोग देख ही सकते हो। और वो रहा स्नो माउंटेन, पता नहीं गोप्रो में दिख रहा है कि नहीं, वो रहा। বানিহালে এসে ভীষণ ভালো লাগছে, উফ কি এনজয় করছি আমরা। চা খাবো এখন, হ্যাঁ আসি, টাটা। দাদা কেসে লাগ রহা হ্যায় বানিহাল মে আকে? বানিহাল মে আকে অচ্ছা হি লাগ রহা হ্যায়, হম লোগ অভি থোড়া চায় পি রহে।
ठंडा ठंडा चाय है, वेदर अच्छा है, अभी आगे जाके देखते हैं कैसा है। और हमारा हनीमून लेट हनीमून विद माय हनी एंड डबल हनी। वाओ वाओ मिश्रो, हाउ आर यू फीलिंग? उदान कैसे लग रहा है तुमको? সত্যিকারে বলতে কাশ্মীর শুনেছি অনেক জায়গায়, কিন্তু কাশ্মীর একটা হিউজ ডেভেলপমেন্ট কাজ চলছে, এবং রোডটা খুব বাই কারও আসা যাবে, মানে অ্যাটলিস্ট জম্মু থেকে বাই ড্রাইভ করেও আসা যাবে, এবং বেশ একটা ভালো ব্যাপার। ট্যানেলগুলো খুব ভালো কাজ হচ্ছে, নখানা একটু পরেই আছে 9 কিলোমিটার একটা ট্যানেল, আগে একটা ট্যানেল যেটা পার করলাম, তো রাইট আমরা আর মোটামুটি দু ঘন্টা 20 মিনিটের মধ্যে হয়তো শ্রীনগর পৌঁছে যাবো। আর আমরা এখন বরফ দেখতে পাচ্ছি, বেশ ভালোই লাগছে, একদম সুন্দর পরিবেশ মাসি হয়ে গেছে। विमानदार कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, इतना अभी वेदर थोड़ा ठंड लग रहा है, ठंड हो रहा है, इतना टाइम तो गर्मी था, तो अभी धीरे धीरे हम लोग नजदीक पहुंच रहा है, बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, सामने आने वाला है बानीहाल काजीकुंड टनल, जो 8.45 किलोमीटर्स लॉन्ग है। टनल से निकलने के बाद नेचर का व्यू ही पूरा चेंज हो गया है, अभी पूरा कश्मीर का फ्लेवर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग श्रीनगर पहुंच चुके हैं, और ये है डल लेक की नाइट व्यू। डल लेक की हाउस बोट में हम लोग एक दिन रुकने वाले हैं, अभी हम लोग होटल में कुछ देर में ही चेक इन कर लेंगे। डल लेक से हम लोगों का होटल 500 मीटर्स की दूरी पर है। ये है हमारा श्रीनगर की होटल रूम की व्यू। होटल बहुत ही अच्छा है,
कल हम लोग आप लोगों को ये पूरा होटल का व्यू दिखा देंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं श्रीनगर। आज सुबह 7 बजे हम लोग जम्मू से श्रीनगर की जर्नी शुरू की थी। श्रीनगर से जम्मू का डिस्टेंस है 264 किलोमीटर्स और हमें लगभग 12-13 आवर्स लग गया श्रीनगर पहुंचने में। रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा था। NH44 से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। थोड़ा पार्ट कंस्ट्रक्शन के कारण से बहुत जैम लगा हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया था। सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छा है। जब हम लोग श्रीनगर वैली में, कश्मीर वैली में एंटर किए, माइंड ब्लोइंग सीनिक ब्यूटी था। तो आप लोग ज़रूर आइए कश्मीर में आके, आप लोग एंजॉय कीजिए, यहाँ का व्यू देखिए। हम लोग कल गुलमर्ग या सोनमर्ग में से कोई भी एक जगह जाने वाले हैं। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग कितना टायर्ड हो चुके हैं इतना जर्नी करने के बाद। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और भी बहुत कुछ दिखाना है आप लोगों को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।